हमें जिस सच की तलाश है वो हमें सिर्फ लियो बता सकता है। तो गाइस फाइनली लियो फिल्म का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये ट्रेलर भी बवाल है। ट्रेलर में कोई भी कमी नहीं है, ट्रेलर की हिंदी डबिंग भी बहुत ही बढ़िया हुई है और दोस्तों ट्रेलर तो बवाल है ही। ट्रेलर में जो एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, जो म्यूजिक सुनने को मिल रहा है अनिरुद्ध रविचंद्रन का, और एक के बाद एक सीन में जो विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो बवाल है भाई। सारी की सारी चीज़ें ट्रेलर में अच्छी है और ट्रेलर ये बता देता है कि फिल्म भी बहुत ही बढ़िया होगा। ट्रेलर में मेकर्स ने ये नहीं कन्फर्म किया कि ये फिल्म एलसी से कनेक्टेड है या नहीं, लेकिन दोस्तों ये कन्फर्म कर दिया कि इस फिल्म में थलापति विजय का दो रोल होने वाला है, एक वायलेंस वाला एक नॉन वायलेंस वाला। लेकिन नॉन वायलेंस वाला भी वायलेंस करता है क्योंकि दोस्तों उसे गुस्सा आ जाता है और उसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए वायलेंस करना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों मेकर्स ये चीज़ अच्छा किए हैं कि मेकर्स ने ये कन्फर्म नहीं किया कि ये फिल्म एलसी से कनेक्टेड है या नहीं। अगर ये बोल देते तो भाई लोग मज़ा ही ख़राब हो जाता। अब एलसी से ये फिल्म कनेक्टेड है या नहीं वो तो हमें फिल्म में ही पता चल पाएगा। इसके अलावा अगर इस फिल्म को हिंदी में अच्छे खासे स्क्रीन मिलते हैं तो ये फिल्म हिंदी में भी तबाही मचाएगी। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इन चारों लैंग्वेजेस में तो तबाही मचाएगी, लेकिन अगर इस फिल्म को हिंदी में भी स्क्रीन मिलते हैं तो ये फिल्म हिंदी में भी तबाही मचाएगी और ये फिल्म थलापति विजय के कैरियर की पहली हिट फिल्म होगी हिंदी में। और ट्रेलर को देखकर ही समझ आ रहा है कि थलापति विजय ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है लियो फिल्म में। वैसे दोस्तों ओवरऑल ट्रेलर एक तबाही है, बहुत बढ़िया नहीं, ट्रेलर एक तबाही है और फिल्म भी एक तबाही निकलेगी और ये फिल्म 1000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पार करने का पोटेंशियल रखती है। वैसे दोस्तों आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।